कस्टमर भी नहीं आ रहे महंगे करके, और कमाई पे भी असर पड़ गया। पहले नौकर चाकर रखते थे, हूँ नौकर चाकर तो है नहीं जी, आप करना पैंता सारा कुछ। ये मोदी सरकार आई है, सबसे महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है। इनमें पिछले लगभग 6 महीने से लगातार बढ़ रहे हैं ये, और कस्टमर की आउट ऑफ रीच हो रहे हैं ये चीज़ें ना। और उसके बाद अब दालें भी बीच में बढ़ने लगी, चीनी बची थी, चीनी पे भी 3-4 रुपये किलो की दोबारा तेजी है। मतलब कोई भी चीज़ है देखो, कस्टमर की कैपेसिटी कम होती जा रही है, परचेजिंग पावर उसकी कम होती जा रही है, दिक्कत तो है ही। कभी कोरोना और कभी लॉकडाउन की हंगाई ने मारा, और बाकी जब कुछ बचा तो इस महंगाई ने मारा। जी हाँ, बीते दिनों से खाद्य पदार्थों पर बढ़ी कीमतों ने आम आदमी की कमर को तोड़ कर रख दिया है। अभी हमने कुछ सब्जी वालों से और कुछ ग्राहकों से बात की जो कि किराना की दुकान पर खड़े थे। उनका जो दर्द है उनकी आंखों से निकलता हुआ दिखाई देता है, और सरकार से उनकी लगातार ये मांग कि 370 से हमें बाद में कुछ लेना है, पहले तो हमें आम जो जीवन बसर करना है उस पर हमारा जो है मेन फोकस है। जब आम आदमी का पेट ही खाली रहेगा तो वो क्या देश के बारे में सोचेगा, और क्या इस देश की प्रगति में अपना जो है योगदान देगा। इसी महंगाई को लेकर कर आपको दिखाते हैं कि लोगों का क्या कहना है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? महेश। तो ये जो टमाटर है इसके रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? रेट में कोई खास तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, बाकी ट्रांसपोर्ट द्वारा ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है, तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, उधर कम रेट में मिलता है, बाकी हमारे भाड़ा किराया ज़्यादा। आपके काम पे इसका कितना असर पड़ रहा है? काम पर तो बहुत असर पड़ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है, ग्राहक नहीं है। कीमत क्या मैडम जी, अब पहले सस्ते तो सौदे, अब महंगे बहुत हैं। क्या चीज़ कैसे महंगा हुआ है? कितना पहले भिंडी 30 रुपये किलो आती थी, हम 40 बेचते थे, अब 40 आ रही है, भिंडी ज़्यादा बिक रही है, अब क्या करिए। तो आपकी ग्राहकदारी पे कितना असर पड़ता है? ग्राहक तो ग्राहक तो आप किलो लेने को आधा किलो ले रहे हैं बस। तो और क्या आपको मुसीबतें आती हैं, क्या समस्याएं आपको? मुसीबत क्या, दिहाड़ी नहीं बनी, आपका पैसा ही नहीं पूरा। हाँ, पैसे नहीं पूरा होता। मेरा नाम श्री भगवान। तो क्या ये सब्जी का काम? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिनों से? 20-22 साल हो गए। तो पहले में और अब में सब्जियों की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ा है और उसका क्या असर? पहले मैडम यही सब्जी 200 रुपये 300 रुपये क्रेट मिलती थी, अब वही 500 रुपये क्रेट हो गई। पहले 30 रुपये किलो भिंडी बेच के भी कुछ बनता था, हूँ 30-35 रुपये खरीद आ रही है, 40-50 रुपये बेच रहे ता भी कुछ नहीं बच रहा। ले हूँ तो महंगाई बहुत बद्दू हो गई, पहले ना कस्टमर भी नहीं आ रहे महंगे करके, और कमाई पे भी असर पड़ गया। पहले नौकर चाकर रखते थे, हूँ नौकर चाकर तो है नहीं जी, आप करना पैंता सारा कुछ। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष। हाँ जी, संतोष। संतोष, हाँ जी। ये कितने दिन से सब्जी का काम कर रहे हो आप? मैडम इस सब्जी के तो काम कुल दिन से किए जा रहे हैं, और कोई काम ही मेरे आगे नहीं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। हाँ जी। तो जो महंगाई बढ़ी है उसका आपके काम पे और आपकी ग्राहकदारी पे कितना असर पड़ा है? मैडम जी इतना असर पड़ गया कि इस टाइम खर्चे चलाना मुश्किल पड़ गया हम लोगों को, इतने खर्चे हैं कि इतना महंगा आ रहा है, तो ग्राहक इतने रेट में सारा सब्जियां ले नहीं सकता है, और उसके बाद में जो खर्चे हैं वो मंडियों के खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं। हम लोग इतना कमाएँगे कितना कमाएँगे जो कि अपने खर्चे भी निकालूँ इसमें से, 700-1000 रुपये और 500-600 रुपये तो कम से कम खर्चे आ जाते हैं मंडी के अलग से। ऊपरी रेट पे कितना कितना बढ़ोतरी हुई मैडम जी? किसी पे 20 रुपये बढ़ गया, किसी पे 30 बढ़ा है, किसी पे 10 रुपये बढ़े हैं, ऐसे सारी सब्जियों बढ़ गए हैं। ये देखो गोभी आज 80 रुपये किलो गोभी यहाँ पर हो गई है, पहले 40 रुपये में थी, दो गुना रेट। और क्या, गोभी की इतनी बढ़ गई, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई। ये भिंडी देखो 60 रुपये किलो बिक रही है, 30-20 रुपये बिक रही थी, आजकल इतनी महंगाई सारी सब्जियां हो गई, ग्राहक भी लेने में दिक्कत हो रही उनको भी, बताओ हम लोग क्या करेंगे, बताओ। तो आपका गुजारा कैसे चलता है? मैम के क्या करें, बचत क्या है, वही 200-300 रुपये 400 बचते हैं, वो घर में खर्च हो जाते हैं, घर पे भी असर पड़ रहा है, घर में भी पैसे नहीं है लोगों को। ये मोदी सरकार आई है तब से महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है। किचन की जितनी भी आइटम्स है, चाहे रिफाइंड है, दूसरा मस्टर्ड ऑयल है,
सारा ही बहुत मुश्किल है। गैस सिलेंडर भी इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, फ्रूट इतना महंगा है, सबकी जो मिडिल क्लास फैमिली का तो बहुत बुरा हाल है कि हम लोग तो पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, इतना मुश्किल है। तो हम नहीं चाहते कि आगे से ये मोदी सरकार आए। थैंक यू। क्या नाम है मैडम आपका? नरेंद्र मैडम। किलो सब्जी 1.5 किलो 2 किलो लै जाती सी, हुण उहदे हिसाब नाल किलो ज्यादा किलो खरीदी हुई है, फिर अपना हिसाब किताब नाल देखी दा है ना मैडम। हाँ जी मैडम, बहुत फर्क पै गया है हुण अगे नालों, क्योंकि उन्नी कमाई नहीं रह गई, हुण अगे नालों काफ़ी महंगाई ज़्यादा आ, उहदे नालों फिर दाणा दे रेट बहुत ज़्यादा हो गए आ, सब्जियां दे रेट बढ़ गए आ मैडम, अगे नालों हुण अपना हिसाब किताब नाल थोड़ा चलना पै रहा है। रसोई तो काफ़ी हुण जो लेडीज़ ने अपना रसोई 'च काम करना उहनूं तो फिर काफ़ी देख के चलना पैंदा हुण अगे नालों। चलो अगे असीं सब्जी लैण आए, फ्रूट लै लिया, वह चीज़ लै ली, कोई बच्चे लै ली, हुण देख के चलना पै रहा है अपना सब्जी दे लई दी आ, उन्ने सब्जी 'च पैसे खर्चे जाते आ, अपना देख के फिर हिसाब किताब नाल चलना पै रहा है। तरसेम गोयल है। कितने दिनों से ये किराने की दुकान चला रहे हो? पिछले 15 साल से। तो अभी जो फिलहाल जो है खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो कितनी किस किस चीज पर मतलब ये बढ़ोतरी हुई है? नहीं, मेन बढ़ोतरी तो देखो ताल जो ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल, सरसों तेल, इनमें पिछले लगभग 6 महीने से लगातार बढ़ रहे हैं ये, और कस्टमर की आउट ऑफ रीच हो रहे हैं ये चीज़ें ना। और उसके बाद अब दालें भी बीच में बढ़ने लगी, चीनी बची थी, चीनी पे भी 3-4 रुपये किलो की दोबारा तेजी है। मतलब कोई भी चीज़ है देखो, कस्टमर की कैपेसिटी कम होती जा रही है, परचेजिंग पावर उसकी कम होती जा रही है, दिक्कत तो है ही है। दिक्कत दालों पे कितना रेट बढ़ा है? दालों पे देखो पहले से कुछ दालें तो पहले से तेज हैं, अभी रिसेंटली राजमा जैसे 150 रुपये पार कर गया, ठीक है, और मूंग दाल, अरहर दाल 10-10, 15-15 रुपये इनमें डे बाई डे बढ़ ही रहे हैं। उसमें फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, हमारा मार्जिन बिल्कुल कम खत्म हो जाता है, जीरो पे आ जाता है, प्लस कस्टमर की परचेजिंग कम हो जाती है। ओवरऑल हमें जब एक एक्सीड कर जाता है अमाउंट, हमें तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर हम कहीं ना कहीं मतलब ग्राहक के साथ साथ दुकानदार पे भी असर, दुकानदार पे भी असर पड़ता है। देखो खर्चे बढ़ रहे हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है हर चीज़ में, और इवन पेट्रोल के दाम की वजह से हर बंदा एक दलील देता है, जी देखो जी पेट्रोल भी महंगा है, ऑयल्स महंगे हैं, और लेबर महंगी है। अब ना हम मतलब मैन्युफैक्चरर के साथ कोई आर्ग्यू कर सके इस बात पे, तो दिक्कत तो है ही है हर जगह। मतलब रेट के ऊपर गवर्नमेंट को प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब इतने अच्छे काम मोदी सरकार की तरफ से हो रहे हैं तो वो सिर्फ नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है कि वो हमें अच्छे लगते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक को के उसकी लिविंग के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बड़े बड़े काम करते रहो, ठीक है एक बार अच्छा लगता है कि उसने नेशनल लेवल पर हमारा अच्छा काम किया, 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिया, ये बड़े अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन साथ साथ महंगाई भी पब्लिक को मार रही है। कुछ तो लॉकडाउन ने लोगों को तंग किया, लोगों की इनकम कम हुई, साथ में महंगाई, ये दिक्कतें हैं और बिल्कुल हैं। और जब अगर इसको ना कंट्रोल किया गया और पब्लिक के लिए, इससे क्राइम भी बढ़ता है और मतलब पब्लिक को फिर दिक्कत, तंग भी होना पड़ता है। क्या नाम है भी आपका? राजेश कुमार जी। ये जो काम है आप कब से कर रहे हो? ये हमारा 30-35 साल पुराना काम है जी, डैडी काम था, डैडी तो ख़त्म हो गए हमारे, तब से हम ही कर रहे हैं। और महंगाई इतनी चुम गई है जी, बताओ काम हो नहीं रहा है, और बच्चे पालने में मुश्किल पड़ गया। आज भी रेट सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है, ये सब चीज़ महंगी हो गई, आटे की थैली 240 रुपये की होगी थैली, हर चीज़ महंगा हो रहा है, और हमारी महंगाई बहुत बढ़ी नहीं रही, गरीब बंदा और मरे जा रहा है, यहाँ पे काम धंधे है नहीं यहाँ पे, और क्या करें, यहाँ पे काम यही रह गया बस। जैसे दालों का रेट आसमान चुम रहा है जी, और गरीब बंदा लेने वाला बंदा तो खाने वाला तो बंदा खाएगा ही, चाहे आसमान जी चूम जाए चाहे सोने का भाव हो जाए, तो भी इंसान ने खाना ही है, गरीब बंदा है वो क्या करेगा जी। तो आपने थाली का रेट बढ़ाया? कुछ रेट नहीं बढ़ाया, रेट तो वही है कि रेट बढ़ा देंगे तो ग्राहक कहीं और खाएगा, अब जब काम चलाने के लिए जो रेट है वही रेट चला रहे हैं, 20 के 2 परोठे आज ही बेच रहे हैं, पहले भी 20 के 2 बेच रहे हैं। आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? बस यही दाल रोटी है कि नमक रोटी चल रही है घर में, ये सबसे बड़ी बात है कि बोले दाल। तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई लिखाई तो बच्चे देखो अब आएंगे, अभी कोरोना वायरस खाता स्कूल ही बंद पड़े हैं, बच्चे के जाने में दिक्कत है, स्कूल सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये मोबाइल ऑनलाइन हो गया तो बच्चे पढ़ाई की जगह और बिगड़ गए हैं, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे हैं, ये मोबाइल का सिस्टम और बेकार हो गया जी, बच्चे तो स्कूल में जो आकर पढ़ते लेते थे वो मोबाइल में क्या पढ़ते हैं, बच्चे हमारे बता रहे काम कर रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं।
आपने देखा कि आम आदमी जिनमें ना सिर्फ महिलाएं बल्कि दुकानदार, रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले और यहाँ तक कि जो ढाबा चलाते हैं उन पर भी महंगाई ने किस तक कदर उनकी कमर तोड़ दी है, ये आपने अभी हमारे साथ विजुअल्स में देखा। तो ये जो महंगाई है, महंगाई पर लगाम कसना केवल सरकार का ही काम है और सरकार को चाहिए कि आम जनता के बारे में सोचे। इससे पहले कोरोना की वजह से बेरोजगारी बढ़ी, लोग लगातार लॉकडाउन लगा रहा और लोगों के जो दिहाड़ी मजदूर थे उनका काम बिल्कुल ठप हो गया और दूसरी तरफ इस कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी को भूखमरी की तरफ ला दिया है और वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा जैसे प्रांत में भी भूखमरी की जो दौड़ है वो अब बहुत असर लाएगी और इतने बुरे असर लाएगी कि सरकार को इसके बारे में अभी से सोचना चाहिए। राष्ट्रीय खबर के लिए मैं शशि राणा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।